क्या नाम है सर आपका? सैयद आसिफ हसन, मंडलीय मंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। सर आज कमिश्नर साहब से मिले, किस संबंध में मिले? हम कमिश्नर साहब से इसलिए मिले थे कि कल हमारा सामान्य लोकसभा निर्वाचन था 2019 का, कल हमारे यहाँ मुरादाबाद में इसका मतदान हुआ था, और हमारे एक पीठासीन अधिकारी जो अपने दायित्व का जो शासन ने प्रशासन ने उसको दायित्व दिए थे पीठासीन अधिकारी के, उस दायित्व का निर्वहन कर रहा था वो, और हमारा कर्मचारी था उसको अंदर बूथ के अंदर घुस के पुलिस के सामने उसको खींचा, और खींच के लोगों ने वहाँ पर जो अराजक तत्व थे उन्होंने घुस के उसके साथ में मार पिटाई की और उसका गिरोवान भी फाड़ा, उसके साथ में बेहद बदतमीज़ी की। उसी का विरोध करते हुए हम सरकार से भी मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, और हमारे जो है प्रदेश स्तर पर हमारी बात हो गई है, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पीठासीन अधिकारी है जो एक सरकारी कर्मचारी है उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रशासन की तरफ से वहाँ पर एक अनावश्यक दबाव भी पड़ रहा है कि वो अपना सब कुछ वापस ले ले, और हम पूरा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आदरणीय हरिकिशोर तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक है, इकट्ठा हुआ है, और उन्हीं के निर्देश पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर हमारी ये मांगे जो हैं अगर इन्होंने नहीं मानी और उसको तत्काल उनको गिरफ्तार कर कर और उनके ऊपर अच्छी धाराएँ लगा कर उनका अगर गिरफ्तार कर चालान नहीं किया गया तो हम एक बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे, और उसके अलावा हम प्रदेश स्तर पर हमारी ये बात भी चल रही है कि हम आगामी चुनावों में जो हमारे आगामी चरणों में जो हमारा चुनाव होगा हम सब राज्य कर्मचारी पूरा शिक्षक संघ उसका बहिष्कार करेगा। क्या नाम है उनका और कितनी छोटा है? जुबैर नाम है उस बच्चे का, पीठासीन अधिकारी है वो। कल किस टाइम? और ये बूथ संख्या 231 है, गन्ना समिति बिलारी, कक्ष संख्या 8 में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत था वो। और जिन्होंने इनको मारा है, मतलब क्यों मारा गया है? मतलब नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था लेकिन वो नाजायज वोट जो थे वो डालना चाह रहे थे, वो लोग फर्जी वोट डालना चाह रहे होंगे, जो भी रहा होगा। प्रशासन जब पीठासीन अधिकारी है तो वो तो अपने कर्तव्यों का, अपना घर छोड़कर अपने घर छोड़कर जब वो जाता है तो अपने ड्यूटी का निर्वहन अच्छे से ढंग करने जाता है वो, लेकिन उसको जो है क्योंकि वहाँ पर उसने आई कार्ड या जो भी कुछ उनका चेक किया, उसके बाद में उनकी पूरी एक टीम आई और पुलिस के सामने उसके साथ में बहुत रवैया व्यवहार की। नामजद कराइए? नहीं, अज्ञात में एफआईआर कराइए वहाँ पर, तो क्योंकि जानते ही नहीं ना कौन लोग थे वहाँ पर, लेकिन पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए था उसको। पुलिस ने खाली बीच बचाव किया वहाँ पर, और इसके अलावा पुलिस ने जो है उसको भगा दिया। हम चाहते हैं कि पुलिस